हम जब सृष्टि की ओर देखते हैं तो हमें मनुष्य और पशुओं में जो मूलभूत अंतर दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि पशु अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। हजारों वर्षों के इतिहास में पशुओं में कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि ईश्वर ने या प्रकृति ने जो उनको स्वभाव दिया है या जो उनके करने के कार्य तय किए हैं वो वही करते रहते हैं। मनुष्य में यहाँ अंतर दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति और विवेक बुद्धि दी है। इस विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए जब स्वतंत्र इच्छा शक्ति के सहारे वो योग्य दिशा में बढ़ता है, उसकी इच्छाएं योग्य होती हैं, तो वह प्रगति करता है और उसके नाते संसार ने प्रगति की है। परंतु यही जब उसकी इच्छाएं स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो होती है वो अविवेकपूर्ण होती है, स्वार्थ से परिपूर्ण होती है, तो वो विश्व के लिए हानिकारक हो जाती है। और ऐसे लोग जब आगे बढ़ते हैं या प्रगति करते हैं या उनका आधिपत्य होता है तो विश्व में राक्षसों का एक प्रकार से राज्य हो जाता है, और ऐसी स्थिति में समाज में सारी स्थितियां नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। शिक्षा और संस्कार, या यूं कहें कि संस्कारक्षम शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। हमारे यहाँ कहा गया है मनुर्भव, मनुष्य बनो। इसका अर्थ ही है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसमें जब तक संस्कार नहीं दिए जाते तब तक वह श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बनता, और इसलिए भारतीय शिक्षा यह संस्कार आधारित शिक्षा है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, इसलिए संस्कारक्षम शिक्षा देना ये आवश्यक है। विद्या भारती इसी दिशा में कार्य कर रही है। अपने शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा, विद्यालयों के द्वारा, शिशु से लेकर और 12वीं तक के विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है कि जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो और वो राष्ट्रीय जीवन के लिए समर्पित।